आप लोगों का सवाल आया कि सिलाई मशीन से कैसे पैसे कमाओ, खास करके अगर आपके पास ऑटोमेटिक सिलाई मशीन है तो उससे आप कैसे पैसे कमा सकते हो। देखिए, अगर आपके पास सादी सिंपल सिलाई मशीन है तो उससे भी आप सिलाई करके या सिलाई सिखा करके पैसे कमा सकते हो। ये बात अलग है कि आपकी सादी सिंपल मशीन के अंदर जो सीधी सिलाई की मशीन होती है उससे सिर्फ सीधी सिलाई हो सकती है और थोड़ा बहुत आप एंकर की कढ़ाई कर सकते हो, फुट चेंज करके आप उससे थोड़े बहुत और काम कर सकते हो, लेकिन जनरली सीधी सिलाई का ऑप्शन ही हम लोग घरों में करते हैं अपनी जो डोमेस्टिक हाफ शटल की सिलाई मशीन होती है उससे। अब अगर आपने ऑटोमेटिक सिलाई मशीन ली हुई है तो आप उससे घर का तो अपना जो भी डिज़ाइनिंग का एम्ब्रॉयडरी का काम कर सकते हो, लेकिन साथ ही साथ आप उससे पैसे कमाने का भी ज़्यादा ज़रिया अपने लिए बना सकते हो। रीज़न ये कि सबके पास सीधी सिंपल मशीन होगी तो अगर लोग घर में सिलाई कर रहे हैं तो भी वो बटन नहीं लगा सकते अपनी मशीन में, काज नहीं बना सकते सादी सिलाई मशीन के अंदर, एम्ब्रॉयडरी नहीं कर सकते। अगर उन्हें अपने किसी कपड़े के ऊपर नाम लिखना है अपने बच्चे का या अपना कोई डिज़ाइन बनाना है तो वो नहीं कर सकते, फॉल नहीं लगा सकते, पीको नहीं कर सकते, और कई सारे ऐसे काम हैं जो कि आपकी वंडर स्टिच कर देगी या ऑटोमेटिक सिलाई मशीन कर देगी। तो आपका स्पेसिफिकली मशीन का उन्होंने नाम बताया था कि वंडर स्टिच से क्या क्या काम कर सकती हूँ। मशीन आपके पास कोई भी ऑटोमेटिक जिगजैग मशीन है तो आप सारे ऐसे काम कर सकते हो जो कि सादी मशीन आपकी नहीं कर पाएगी। तो फिर भी मैं आपको वन बाय वन बता देती हूँ। वीडियो पसंद आने पर आप वीडियो लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे और आइडियाज़ आपको मिलते रहें। तो जो पहला काम है, आप नोट कर लीजिए ये सारी चीज़ें और आप इन्हीं को इसी तरीके से आप अपने कस्टमर्स को भी समझा सकते हैं आसपास। अगर लोग घर से सिलाई करते हैं तो घर से सिलाई करके बेचते हैं सामान, तो आप उनको भी अप्रोच कर सकते हैं, उनके पास भी जा सकते हैं और अपनी ये सर्विसेज उन लोगों घर से सिलाई करने वालों को भी बता सकते हैं कि वो लोग आपसे ये सर्विसेज ले सकते हैं। जैसे कि आप ऑटोमेटिक सिलाई मशीन से आप उनको ये ऑफ़र कर सकते हैं कि मैं बटन लगाने का काम कर सकती हूँ या फिर काज लगाने का, बटन काज लगाने का काम कर सकती हूँ। साड़ियों पर फॉल बहुत अच्छे से और फास्ट हो जाती है आपकी ऑटोमेटिक मशीन जिगजैग मशीन से। फिर आपकी साड़ी पे फॉल लगाने के अलावा तुरपाई का काम है, तुरपाई का काम भी बहुत सफाई से मजबूत और बढ़िया हो जाता है ऑटोमेटिक मशीन से। ये मैं सीधी सिंपल मशीन बता रही हूँ आपको। जितनी बड़ी आपकी, जितनी अपग्रेडेड ज़्यादा मॉडल की मशीन होगी वो उतने ही ज़्यादा काम कर सकेगी, लेकिन जो बेसिक जिगजैग मशीन होती है वो ये सारे काम कर सकती है। तो फिर आप ज़िप लगाने का काम कर सकते हो, पाइपिंग लगाने का काम बहुत खूबसूरती से कर सकते हो, कढ़ाई कर सकते हो जिगजैग की। आप कोई तोता कबूतर वगैरह इस तरीके से कोई भी डिज़ाइन आपको बनाना है, नाम लिखना है, होलोग्राम यानी किसी का नाम लिखना है, किसी को अपने बच्चे का नाम लिखाना है कि ए से उसको नाम लिखाना है, सागर लिखाना है, एस लिखाना है, तो वो आप आराम से अपनी जिगजैग मशीन से कर सकते हो और उसके ज़्यादा पैसे चार्ज कर सकते हो बजाय सादी सिलाई के या अल्टरेशन करने के। इसके अलावा भी इनबिल्ट डिज़ाइंस होते हैं कई सारी मशीन्स में, जैसे स्मोकिंग का हो गया, तो बेसिक मशीन्स में भी कम से कम 6-7 इनबिल्ट डिज़ाइन होते हैं जो कि आप कर सकते हो और अपने कस्टमर्स को चार्ज कर सकते हो इसके लिए। तो ये कुछ काम हैं जो कि आप ऑटोमेटिक सिलाई मशीन होने से आपको ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, ज़्यादा आप कमा सकते हो अपने कस्टमर्स के ऊपर, क्योंकि आपके पास एक डिज़ाइनर मशीन है तो कस्टमर के ऊपर भी एक रुतबा आता है, आपका इम्प्रेशन आता है कि हाँ आप प्रोफेशनली वो काम करते हो और आप अच्छे से सफाई से, क्योंकि जो ऑटोमेटिक मशीन्स होती है पाँव से चलने वाली होती है, इलेक्ट्रिक मशीन्स होती है, तो सिलाई की सफाई बहुत अच्छी आती है, सिलाई बहुत अच्छे सफाई से अच्छा हो जाता है काम। तो ये भी आप कुछ प्लस पॉइंट्स अपने कस्टमर्स को बता सकते हो। और मशीन खरीदनी कैसे है, किस काम के लिए कौन सी मशीन सही रहेगी, किस बजट में कौन सी मशीन सही रहेगी, ये अगर आप जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना,
मैं कोशिश करूँगी जल्दी से जल्दी आपको आपके सवाल का जवाब दे सकूँ। थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में।